फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज सामने क्वेश्चन है वो है, किस गवर्नमेंट ने बच्चों के पानी पीने के लिए 3 ब्रेक देने की शुरुआत की है। रिसेंटली एक गवर्नमेंट है जो मतलब बॉडी में हाइजीन मेंटेन रखने के लिए और वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए पानी पीने के लिए बच्चों को 3 ब्रेक देगी, वो कौन सी स्टेट है। हमारा ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी पुडुचेरी। ये सारे करंट अफेयर्स जो है वो द हिंदू और ऑल इंडिया रेडियो से कलेक्ट किए जाते हैं ताकि एक बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपने किसी ने देखा हो तो ये इसका आंसर होगा पुडुचेरी। दूसरा क्वेश्चन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, एस ए बोबडे। एस ए बोबडे का पूरा नाम क्या है? शरद अरविंद बोबडे। ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस होंगे हमारे? तो ये 44, 45, 46 या 47, चारों ऑप्शन आप देख चुके हैं। तो बताइए, आप बता सकते हैं शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो 47 नंबर चीफ जस्टिस होंगे। और कुछ खास चीज़ें इनके साथ मैं बता दूं, इनका कार्यकाल जो होगा वो 17 महीनों का होगा और ये 2021 में रिटायर होंगे। तो ये सब इनके बारे में खास बात है। इसके साथ ही पिछले चीफ जस्टिस के बारे में जान जाते हैं, वो 46 नंबर के चीफ जस्टिस थे और नॉर्थ ईस्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। अब आते हैं अंडर 15 रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हो रही है। अंडर 15 रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है वो पुतिनान में हो रही है। पुतिनान जो है वो चाइना में है। ताइचुंग चाइना सिटी चीन। अंडर 15 रेसलिंग चैम्पियनशिप 3 नंबर क्वेश्चन है उसका। ऑप्शन पहले देखते हैं, पुतिनान, बी ताइचुंग सिटी चीन, सी मुंबई और डी नगोया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ना कि ए। पुतिनान में दरअसल कुछ और हो रहा है तो हमें ये जानना चाहिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, रिया भाटिया किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस और कबड्डी। तो रिया भाटिया एकदम इमर्जिंग प्लेयर हैं और वो लॉन टेनिस से संबंधित हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो प्रथम कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था ए पंजाब, या फिर बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली या फिर डी कर्नाटका। तो ये जो है प्रथम कृषि रसायन सम्मेलन, इसको आप याद कर सकते हैं। प्रथम मेनली कोई भी इस तरीके का जो नेशनल कुछ भी होगा तो वो दिल्ली में ही संपन्न किया जाता है, तो इसका भी आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ये जो कि काफ़ी हिट लिस्टेड क्वेश्चन इसलिए रहा है कि वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो बहुत अभी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए बहुत ज़्यादा दावेदारी इधर उधर हो रही थी, तो काफ़ी हिट लिस्टेड रहा है। तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, कोश्यारी यहाँ गलती से लिखा गया है। दूसरे ऑप्शन है बेबी रानी मौर्य। तीसरा ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत और चौथा अनुसुईया उइके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है भगत सिंह कोश्यारी। फिर अगला क्वेश्चन भी हमारा खेल से है, क्योंकि आजकल खेल में बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। मेरा इशारा किस खेल की तरफ है मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये हमें याद होना ही चाहिए क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर एलारेविन विलानिवल जो है किस खेल से संबंधित है? तो ए शूटिंग, बी क्रिकेट, सी टेबल टेनिस, डी कबड्डी। तो एलारेविन विलानिवल जो है, विलानिवल सीधे याद रखेंगे आप तो भी आपका काम चल जाएगा। विलानिवल थोड़ा ये साउथ इंडियन की हैं तो इसलिए इनका नाम ऐसा है। ये जो है शूटिंग से रिलेटेड है। 8 जो है, कोलकाता के इडन गार्डन में पहली बार कौन से रंग के बॉल से मैच हो रहा है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। इसका ऑप्शन जो है पिंक, रेड, वाइट, ब्लू। तो ये पिंक बॉल से हो रहा है और पहली बार हो रहा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में डे नाइट टेस्ट मैच। ये भी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। फिर 9वां क्वेश्चन जो है, स्कॉटलैंड ओपन टाइटल किसने जीत लिया है? स्कॉटलैंड ओपन टाइटल, ये लक्ष्य सेन है, इंडियन प्लेयर ही हैं वो। लगातार 3 महीने में 4था मेडल जो जीते हैं उसका नाम स्कॉटलैंड है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए स्कॉटलैंड ओपन टाइटल जो है वो लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। ये 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें रिविजन के लिए मैंने डाले हैं और कुछ जो है अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे, बी राजा राजपक्षे, सी महिंदा राजपक्षे और डी गोटाबाया राजपक्षा। अभी रिसेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षा बने, तो उन्होंने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को ही यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। तो
तो ये एक इसकी खास बात है। श्रीलंका एक जो है आइलैंड कंट्री है, और यहाँ जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो चाइनीज़ लीज पे 99 साल के लिए दे दी गई है। और इंडियन जो पोर्ट है एक, उसका नाम आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका क्या नाम है, वो इंडियन गवर्नमेंट की एक ईस्टर्न सी पोर्ट पे है। अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने 6 पर्यावरणविदों को जासूसी के लिए 10 साल का जेल कर दिया है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं, ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी पाकिस्तान और डी अमेरिका। तो ये ईरान ने ऐसा किया है कि 6 पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी केयर टेकर थे, और उन्होंने 6 जासूस उनको घोषित करके 10 साल की सज़ा दे दी है। तो 12 नंबर पे आते हैं, आर्कटिक अभियान मोजैक में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी भारतीय के लिए और टोटल भारत के लिए, कि एक स्वीडन या किसी यूरोपियन कंट्री की एक संस्था है, अभी कैंपेन है दरअसल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और उसका स्पेशली आर्कटिक रीजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आर्कटिक रीजन का जो भी जी के बर्फ़ जो हैं वो अगर पिघलते हैं तो उससे पूरी दुनिया अफेक्टेड होगी। तो इसके लिए कैंपेन जो है, पहले तो यही याद रखना चाहिए, क्या नाम है, मोजाइक। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मोजाइक क्या है, तो वो तो आप यहाँ से देख लेंगे, और इसमें शामिल होने वाले भारतीय का नाम है विष्णु चंदन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी जो है हमारे सामने वो करेक्ट आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोस्ट डे की जो है इस बार, ओ सॉरी, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 नंबर जो सवाल है। और इंडियन पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो ये 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड पोस्ट डे याद रखेंगे कि वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर, और इंडियन पोस्ट डे अगला क्वेश्चन वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, 15 नंबर में सरकार द्वारा आपदा चेतावनी के लिए लॉन्च किया गया डिवाइस, कौन सा डिवाइस जो है वो आपदा मतलब डिजास्टर के फोरकास्टिंग के लिए लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है जेमिनी। क्या नाम है उसका, जेमिनी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आइए 16 नंबर, पहली बार स्पेस में कितनी महिलाओं ने बिना पुरुष साथी के स्पेस वॉक किया। इनका नाम तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि कितने लोग जो हैं वीमेन वो बिना मेन के स्पेस वॉक करके आई हैं। तो सिर्फ 2 वीमेन गई थी जो बिना मेल के हेल्प के, और वो करके आई हैं स्पेस वॉक। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो और फिर आगे आते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन, इंटरपोल की 91st महासभा जो 2022 में होगी, की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो इसका जो है बी, बी जो होगा इंडिया, ये 2022 में इंटरपोल की महासभा की अध्यक्षता करेगा, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। स्वच्छ गंगा स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, ए गंगा समर्पण अभियान, बी गंगा आमंत्रण अभियान, गंगा क्लीन मिशन, अब माँ गंगा अभियान। तो हर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सोचना चाहिए, और सोचने के बाद उसका आंसर देने का कोशिश करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगा आमंत्रण अभियान। ले कहाँ तक तो रुका है यार ये, तो हम लोग ये देख रहे थे गंगा स्वच्छता अभियान के लिए गंगा आमंत्रण अभियान शुरू किया गया है, और बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं अगला, कि ये अभियान कहाँ से कहाँ तक शुरू किया जा रहा है, प्रयाग से वाराणसी, वाराणसी से देवप्रयाग, देवप्रयाग से गंगा सागर, या देवप्रयाग से हुगली तक। तो इस दोनों हमें याद होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का नाम है गंगा आमंत्रण अभियान, और दूसरा जो है ये या लागू हो रहा है देवप्रयाग से गंगा सागर तक, इसे देवप्रयाग से गंगा सागर तक गंगा आमंत्रण अभियान है ये लागू किया जा रहा है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हर क्वेश्चन पे आपको 3-4 सेकंड सोचना चाहिए। क्वेश्चन जो है, 2 से 6 अक्टूबर तक गांधी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। गांधी फिल्म फेस्टिवल, महात्मा गांधी की, चूँकि आप लोग जान ही रहे हैं, 150वीं वर्षगांठ थी उनके जन्मदिन की, तो काफ़ी सारे आयोजन किए जा रहे हैं, तो उसी के साथ गांधी फिल्म फेस्टिवल भी जो है
वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। तो यहाँ पे गांधी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ आज का करंट अफेयर्स का ये 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ रिवीजन के लिए भी मैंने डाले थे, वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, इस चैनल से कनेक्टेड रहें।